बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ C++। आज हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल देखनी है, तो ये आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग पे डेव C++ आपको नज़र आ रही है। यूजुअली हमने जो इसकी हेडर फाइल और यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड से शुरू किया है, ये स्टूडेंट क्लास की ही एग्जांपल को हम कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली एग्जांपल के की तरह, जिसमें प्राइवेट दो डाटा मेंबर्स हैं, एक रोल नंबर है और एक करेक्टर टाइप का ग्रेड है। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में मैंने एक वॉइड टाइप का एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है प्रिंट ओबीजे डाटा, और इसमें मैं बतौर एक ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बतौर पैरामीटर पास कर रहा हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो है वो बतौर पैरामीटर पास हो रहा है। यही वो मुकाम है जहाँ पर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर काम आएगा। तो ये स्टूडेंट ओबीजे आप देख रहे हैं, ये बुनियादी तौर पे हम स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर के तौर पे इस फंक्शन को पास करेंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर और ग्रेड को स्क्रीन पर प्रिंट करवा देगा सी आउट की कमांड के जरिए। ये हमने खुद टाइप की है। उसके बाद एक वॉइड टाइप का फंक्शन लिखा है सेट ओबीजे डाटा, जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल और एक करेक्टर वेरिएबल डालकर दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर्स को सेट कर दिया गया है। फिर मैंने वही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट यानी क्लास के नाम से इसका नाम मैच कर रहा है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं है। इसमें दोनों जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनको हम जीरो और एम्प्टी करेक्टर से इनिशियलाइज कर रहे हैं और साथ में स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। दिस इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर नीचे कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखा है, जिसमें हम उसका नाम तो स्टूडेंट ही है लेकिन उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट टाइप का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट जो है वो बतौर रेफरेंस पास कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात याद रखना ज़रूरी है कि इसकी टाइप कॉन्स्ट है। टाइप इसकी कॉन्स्टेंट रखने का मकसद ये है कि गलती से भी रन टाइम पे किसी तरह से भी ये जो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बतौर रेफरेंस पास हो रहा है, इसकी स्टेट को किसी तरीके से तब्दील ना किया जा सके, इसलिए इसको यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिक्लेयर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट के नाम से पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड इसीलिए इस्तेमाल हुआ है कि ये जो ओबीजे है जो बतौर रेफरेंस पास हो रहा है, ये रन टाइम पे किसी तरह से भी इसकी स्टेट में चेंज ना हो सके, ये कॉन्स्टेंट ही रहे, इसकी स्टेट कॉन्स्टेंट ही रहे। अब क्या हो रहा है, नीचे हमारे प्राइवेट डाटा मेंबर को ये जो बतौर रेफरेंस हमने ओबीजे पास किया है उसके रोल नंबर से और उसी के ग्रेड से हम इनिशलाइज कर रहे हैं। हमारे दोनों प्राइवेट डाटा मेंबर्स रोल नंबर और ग्रेड जो पासिंग ऑब्जेक्ट है और उसके रोल नंबर और ग्रेड से इनिशियलाइज हो रहे हैं, और हमने एक सी आउट की कमांड भी लिखी है। दिस इज द कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये सी आउट की कमांड हमने इसीलिए लिखी है कि हमें पता चल जाए कि हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ या नहीं कॉल हुआ। उसके बाद वही एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, इसका नाम भी स्टूडेंट है, क्लास का नाम है। इसमें इंटीजर का एक वेरिएबल और एक करेक्टर का वेरिएबल हमने लिया है। ये दोनों वेरिएबल्स भी हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको अगर ओवरलोडेड तरीके से क्रिएट करना है तो उसमें ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये इनिशियलाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे। और नीचे जो सी आउट की कमांड है वो हमें बता रही है कि हमारा ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ या नहीं हुआ। फिर डिस्ट्रक्टर पूरी क्लास के लिए एक ही होता है, इसकी ओवरलोडिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। इसमें टिल्ड साइन आता है क्लास के नाम से पहले, कोई इसमें पैरामीटर नहीं होता। और इसमें हमने सी आउट दिस इज द क्लास डिस्ट्रक्टर यानी एक मैसेज स्क्रीन पर प्रिंट करवाया है। यहाँ पर क्लास की जो डेफिनेशन है वो एंड हो गई है, नीचे मेन फंक्शन शुरू हो गया है। मेन फंक्शन में सिस्टम CLS स्क्रीन को क्लियर करने की कमांड है। फिर स्टूडेंट टाइप के हम दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। जब ये दोनों क्रिएट होंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं ये दोनों जो क्रिएट हो रहे हैं, हम इसको इसमें कोई ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर रहे। तो यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो बार कॉल होगा, एक बार ओबीजे ए के लिए और एक बार ओबीजे बी के लिए। उसके बाद हमने
ओबीजे ए के लिए हमने उसका जो पब्लिक मेंबर फंक्शन है सेट ओबीजे डाटा वो कॉल किया है, उसमें रोल नंबर 10 और ग्रेड बी पास कर दिया। जब ये दोनों पास कर दिए उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बी को ऑब्जेक्ट ए से इनिशियलाइज कर दिया। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए के जितने भी डाटा मेंबर्स होंगे उनका डाटा कॉपी हो जाएगा ऑब्जेक्ट बी में। तो उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट बी में चूंकि ऑब्जेक्ट ए का डाटा कॉपी कर लिया है, यहाँ पर जब हम प्रिंट ओबीजे डाटा को कॉल करेंगे यहाँ पर हम ओबीजे ए को बतौर रेफरेंस पास कर रहे हैं, बतौर रेफरेंस ऑब्जेक्ट जब हम इसको पास कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा जो हमने ऊपर लिखा है और वो ओबीजे ए के जितने मेंबर्स हैं उनको एक दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करके प्रिंट करवाएगा। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं, एग्जीक्यूट में जाके हमने कंपाइल किया, आप देख रहे हैं कंपाइलेशन रिजल्ट्स में जीरो एरर्स और जीरो वार्निंग्स आ रहे हैं। अब हम एग्जीक्यूट में जाके इसको रन करते हैं तो रन करने से हमारे सामने आउटपुट विंडो आ गई जो आपको स्क्रीन शेयरिंग पे नज़र नहीं आ रही, मैं इसको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। अब आपको ये स्क्रीन शेयरिंग पे आउटपुट विंडो नज़र आ रही होगी। इसमें पहले नंबर पे लिखा हुआ है दिस इज़ दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है दिस इज़ दी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं बगैर किसी ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर के, तो दोनों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट हुए। तो जैसे ही वो कॉल हुआ तो दोनों बार उसका सी आउट की कमांड प्रिंट हुई। उसके बाद हमने जब ओबीजे डाटा सेट कर लिया तो फिर हमने ऑब्जेक्ट बी में ऑब्जेक्ट ए को कॉपी किया, जब हमने उसको प्रिंट ओबीजे डाटा में पास किया तो वहां पर बतौर पैरामीटर जब वो गया तो वहां कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसकी यहाँ पर आपको नजर आ रही है दिस इज दी कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद उसका प्रिंट डाटा किया, उसने प्रिंट डाटा में रोल नंबर और ग्रेड को प्रिंट करवा दिया। फिर जब ये हमारा मेन फंक्शन जो है ये एंड हुआ तो उस वक्त तक तीन हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके थे, दो ऑब्जेक्ट तो हमने खुद क्रिएट किए और एक जब हमने उसको बतौर पैरामीटर पास किया वहां पर उसका एक जो है वो रन टाइम पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो इम्प्लिसिटली कंपाइलर ने क्रिएट किया, तो वो तीनों डिस्ट्रॉय होंगे। इसलिए आपको क्लास डिस्ट्रक्टर जो है वो तीन बार कॉल होता हुआ नजर आ रहा है, दिस इज द क्लास डिस्ट्रक्टर, दिस इज द क्लास डिस्ट्रक्टर, दिस इज द क्लास डिस्ट्रक्टर। तो क्लास का डिस्ट्रक्टर तीन बार कॉल हो रहा है और कंस्ट्रक्टर भी एक्चुअली तीन बार ही कॉल हो रहा है, दो बार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक बार कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो टोटल हमारे तीन ऑब्जेक्ट इस प्रोग्राम में क्रिएट हो रहे हैं लेकिन देखने में हमें दो ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं ओबीजे ए ओबीजे बी, लेकिन तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो रन टाइम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट हो रहा है और अल्टीमेटली वो फिर तीनों डिस्ट्रक्टर के जरिए डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। अब हम वापस आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ और यहाँ आप देखें दोबारा मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने स्टूडेंट की क्लास ली, क्लास स्टूडेंट ये लिख ली, प्राइवेट दो डाटा मेंबर्स इंटीजर रोल नंबर और कैरेक्टर ग्रेड डिक्लेयर किया, पब्लिक सेक्शन में प्रिंट ओबीजे डाटा में बतौर ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट पास किया पैरामीटर के तौर पे और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवा दिया। यही वो हमारा फंक्शन है जहां कॉपी कंस्ट्रक्टर ने काम आना है। उसके बाद सेट ओबीजे डाटा में दो हमने पैरामीटर्स लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का एक करेक्टर टाइप का, दोनों को हमने अपने रोल नंबर और ग्रेड में सेव कर लिया है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही है जिसमें रोल नंबर को जीरो और ग्रेड को एम्प्टी करेक्टर से हम इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसमें सी आउट भी करवा रहे हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी हम अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर में एक कांस्टेंट टाइप का स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बतौर रेफरेंस पास कर रहे हैं। इसको कांस्टेंट रखने का मकसद मैं पहले बयान कर चुका कि कांस्टेंट इसीलिए रख रहे हैं कि कहीं भी रन टाइम पे इस ऑब्जेक्ट की स्टेट को कोई भी चेंज ना कर सके, ये कांस्टेंट हो जाए। जब इस ऑब्जेक्ट को हमने बतौर रेफरेंस पास किया तो इस ऑब्जेक्ट के रोल नंबर और ग्रेड को हमने यहाँ पर जो नया क्रिएटेड ऑब्जेक्ट है उसके ग्रेड और रोल नंबर में हमने कॉपी कर दिया और कॉपी कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे सी आउट भी करा दिया कि वो चल गया है। फिर ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, इसमें भी इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल और एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, रोल नंबर को उससे और ग्रेड को करेक्टर वेरिएबल से इनिशियलाइज करके सी आउट करवा दिया कि ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हुआ है।
डिस्ट्रक्टर चूंकि पूरी क्लास के लिए एक ही होता है, लिहाजा इसमें भी हमने सी आउट की कमांड लिखी है ताकि जब ये कॉल हो तो पता चले कितनी बार हमारा डिस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हुआ है। मेन फंक्शन में सिस्टम सी एल एस स्क्रीन साफ करने के लिए है। यहाँ पर स्टूडेंट ओबीजे ए और ओबीजे बी ये दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए, तो दोनों जब क्रिएट हुए आपने देखा आउटपुट विंडो में हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स कॉल हुए। उसके बाद ओबीजे ए का हमने डाटा सेट किया 10 रोल नंबर और बी ग्रेड दिया उसको। उसके बाद ओबीजे ए को ओबीजे बी को ए से जो है वो इनिशियलाइज कर दिया, तो ए बी ओबीजे ए की जो स्टेट है वो ओबीजे बी में कॉपी हो गई। ये जो कॉपी कमांड है ये हमारे लिए कंपाइलर ने खुद कॉपी किया है। उसके बाद जब हम इसको ओबीजे बी का प्रिंट ओबीजे डाटा कॉल कर रहे हैं और उसमें बतौर रेफरेंस हम प्रोजेक्ट ओबीजे ए को पास कर रहे हैं बतौर पैरामीटर, यहाँ पर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और कॉल होने के बाद फिर ये प्रिंट ओबीजे डाटा का फंक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद हमारा मेन फंक्शन खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा तो तीन बार हमारा डिस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं हमारे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए और एक तीसरा ऑब्जेक्ट रन टाइम पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के जरिए क्रिएट हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की एक छोटी सी सादा सी एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।